एक ऑडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये सोशल मीडिया पे जो है बहुत तेज़ी इसकी रफ्तार पकड़ रहा है और लोग जो है खूब बढ़ चढ़ कर इसको शेयर भी कर रहे हैं। और किस तरह का एक आदमी जो है एक RDD डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लाई को जो है फ़ोन करता है और वो जो है किस तरह से घूस मांगने की कोशिश करता है इस ऑडियो में। सबसे पहले ये ऑडियो सुन लीजिए और किस तरह से वो बार बार कहता है कि मुझे पैसे दे दीजिए, मेरा हिस्सा दे दीजिए। वो तमाम अफसरों के नाम लेता है, चाहे वो यहाँ के बड़े बड़े अफसर हों, चाहे वो पुलिस स्टेशन के SHO हो, यानी अलग अलग सब अफसरों के नाम लेता है इस ऑडियो में। और ये किस तरह का ऑडियो है जो सब लोग जो है शेयर कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और किस तरह से जो है पैसा जो है जो भी काम का पैसा निकला हुआ फंड जो है किस तरह से घूस लेने की कोशिश की जाती है। और ये इंसान जो है एम्प्लॉय जो है अब बार बार इसी तरह से कहता है कि मेरा हिस्सा दे दीजिए क्योंकि मैं ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। सबसे पहले ये ऑडियो सुन लीजिए और बहुत तेज़ी से ये जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में वायरल हो रहा है। हाँ, ये आपने फोन किया था? हाँ, वो पहले कहाँ डाली आप? अरे कुछ तो मेरे पास है ना, कुछ इसके पास, यारस के पास नहीं, जो आपके पास है वो तो दे ना आप नितिन को, ताकि वो करें, हम जल्दी जल्दी वो बिल शिल उसमें भरेंगे, प्लान उसका बनाएंगे, कुछ सिस्टम करेंगे, वोचर लगाएंगे, सब वोचर लगाने के लिए। ठीक है, मतलब नितिन ने मुझे फोन ही नहीं किया? नितिन बोलता है फरीद ने मुझे नहीं किया, तो आप बोलते हैं मुझे नहीं किया, आप दे दो नितिन को। आप देखो ना, आपकी जब ट्रांसफर भी हो गई, आपने फाइल ही तक हैंड ओवर नहीं की, कल तो आप पे ही असर आएगा। चलो अभी मतलब अभी वीडियो ने ऑर्डर नहीं किया है। हाँ, तो ऑर्डर करेगा तो उसको मैं हैंड ओवर करूंगा। नहीं, वीडियो बोलता है हो गया ऑर्डर, आप दे दो आप नितिन को, तो बस सीधी बात उसमें क्या है, बोल रहे जब वीडियो सब वो बनाएगा, फाइलें खुद ही बनाएगा, नितिन करेगा काम। नहीं, अभी उसने अभी अभी उन्होंने ऑर्डर मतलब साइन नहीं हुए हैं, मगर वो फाइलें तो बनानी है ना, अब वो इंस्पेक्टर वगैरह सब बोल रहे हैं, मैंने कहा चलो फाइलें तो बनाए। कोई बात नहीं, उसको मैं दे दूंगा। ठीक है, दे देना। बात सुने, हाँ जी, आपने बाकी मतलब शाबान के मतलब वापस दिया है? हाँ, कितना? वो बाकी वो आया एक कुछ था, वो शाबान को दे दिया मैंने वापस। नहीं, लगभग था ना सारा था ना, मतलब 4-3-93। हाँ वही लगभग 4। हाँ, 3-93 में से भी आपकी उसी के पास था। उसने मतलब उसने से आपने क्या जेई को कितना दिया? जेई को 120। 120 तो 40 रखो और हो गए 160। नहीं, अभी वो 40 मांग रहा है, लेना कितना उसने वो क्या पता है, अभी वो मांग रहे 120, मगर आप क्या पता कितना लेगा, वो इतना ही बोल रहा है। नहीं मतलब नहीं, उसने कितना पकड़ा? उसे 120 ले लिया अभी। 120 तो और 40 रखो और। हाँ, फाइलें बनानी है ना, 40 और लेगा। हो गए 160। हाँ, तो बाकी बचा मतलब 230। हाँ, तो 50 वीडियो 50 ऐसी थी साहब को, सब जान पे आई थी, उधर दिया 20 दिया SHO साहब को डोडा में। अच्छा, उधर फाइल है, वो बोले लगे नहीं जी इंक्वायरी आई है ये है। मैंने कहा सर इसमें कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, मैंने कहा वेंडर का पैसा वेंडर के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बस उधर से बोलता है नहीं जी फिर हमें क्यों नहीं खर्चा पानी आपको, सर जब किया ही नहीं तो देना था। मैंने बोला झूठ, मैंने कहा मैं उधार लेता हूँ किसी से, आपको देता हूँ, तो फिर दिया मैंने उसको 20। चलो मुझे भी करो फर्क सर, करेंगे पर अभी नहीं ना है उसके पास है सर, कर दूंगा, मैंने आपसे वादा किया है, आप अगर चला भी जाओगे आपको तब भी फर्क करूंगा यार, मेरा वादा है। वादा क्या है मतलब, जब जब किसी को जरूरत हो तो मतलब। अभी नहीं ना है, अभी मेरे पास 2-4 हज़ार अपना ही है, तो आप वो किसको दे के क्या करें? शाबान से ले लो तो मतलब दे दो। शाबान को मना कर दिया है कहीं, उसने क्या बोलते हैं राजकुमार ने भी और उसने रंजीत ने भी और नितिन ने कहीं बोला है उनको कि हाँ जी इसको तब तक नहीं करो जब तक क्या इसको, अभी हम पहले पुलिस चेकिंग करेंगे उसके बाद वही शाबान से लेंगे दे देंगे। मैं बोलता हूँ मतलब उसको क्यों, उन्होंने उसको क्यों मतलब इनकार किया है? पता नहीं क्यों, मैं तो बोल रहे नहीं जी उन्होंने फाइलें नहीं बनाई है, ये नहीं किया फरीद साहब ने, वो नहीं किया, मुझे बोल रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं यार फरीद साहब, मैंने कहा वो उनको शायद कोई टेंशन थी, मैंने कहा तभी फाइलें नहीं बनी, बोलते हैं बगैर फाइलों पेमेंट क्यों की उन्होंने, फिर ये वो बोलने लगे बड़ी बात है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा वो बात की बात, एक काम करो मुझे जरूरत है, मुझे दे दो तो क्या कहते हैं, मेरे पास अभी जरूरत तो, मगर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप चलो कराएं फाइलें कंप्लीट, तो जो ही उधर से धंधा खत्म होगा मैं तकरीबन तकरीबन मेरे पास कंप्लीट है, मैं उसको हैंड ओवर करूंगा, मगर आप मुझे फारिग कर दो। नहीं, आप उधर भेजे ना फाइलें, हम वो वाला मैं कह रहा हूँ मैंने आपको पिछले फोन किया था, मुझे जरूरत है, आप मुझे फारिग कर दो।
बात सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसका जमेला ही खत्म हो जाता ना, ये लेने देने वाला जो मेट्रो का चल रहा है, सुनो तकरीबन जमेला खत्म हुआ, क्योंकि मतलब आपने पुलिस वालों को भी दिया है, एसीडी को भी दिया है, बीडी को भी दिया है, अभी नहीं ना हुआ है खत्म। ये तो वानी साहब प्रेशर डाल रहे हैं तो सभी काम चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कम्प्लेंट की, पता है आपने तकरीबन सबों को फायर कर दिया, तो ये तकरीबन मतलब खत्म हुई है ये। और पता क्या है, मुझे फायर कर दो। नहीं आपको तो कर लूंगा, मेरे पास सुनो, आप पहले फाइल दें, आपका पैसा नहीं, नहीं, मुझे नहीं, मुझे जरूरत है नहीं, मैंने कहा रखने अपने पास फाइल, मैं आप ही आ जाओ कल, तो ले जाओ। मैं कहा आऊंगा भद्रवा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं भद्रवा कैसे आऊंगा। मैं बोलता हूँ मैं लाऊंगा डोडा, अभी जहाँ भी आप मुझे बोलोगे आप, मतलब मगर मतलब आप मुझे फारक कर दो, तो उसको नितिन के हवाले, बाद में आपको फारक कर दूंगा, जब हमारी दादी खत्म हो जाएगी मैं कर दूंगा। बाद में जुमेला बनता है, बाद में आपको बोल रहा हूँ, आपको जुमेला लग रहा है आप, मैं जब बोल रहा हूँ, मेरे पास तो आज नहीं है, अभी उनको श्रावण भट्ट को रोक लिया, और श्रावण भट्ट भी घर में नहीं है, वो होता है ऊपर गुदारी में, अब जब आएगा फिर बात करूंगा, फिर उसको लूंगा, वो भी बेचारा डरता है आजकल, पहले उसको वेंडर से कटवाया, उसको दोबारा जीएसटी बना रहा है, उसको भी खर्चा कर रहा है, आगे से उसने मुझे दाड़ा भी मारा, बोलता है अगर मैं नहीं दूंगा तुम क्या करोगे। मैंने कहा यार वो तो है बात, मगर मैंने कहा ऐसा मत कर, बोलता है नहीं जी, बोलता है अगर तुम आपस में लड़ते रहेंगे, बोलता है मैं कुछ नहीं, सुनो आप मुझे जब भी मांगोगे मैं उस वक्त दे दूंगा, मतलब मैं आपके हवाले करूंगा, मगर क्या कहते हैं, मुझे क्या करना हवाले करके, मैं जब लूंगा तो मैं सबसे ही लूंगा, फिर अकेले थोड़ी दूंगा मैं, तो क्या कहते हैं किसी से लेकर दो, मुझे थोड़ा सा फर्क कर दो। चलो मैं आपको कहता हूँ 10 मिनट बाद सुन रहा, मैं थोड़ा इधर वो भैया की गाड़ी चला रहा हूँ। चलो ठीक है, मतलब आप जुगाड़ करके दो, मुझे फर्क कर दो। नहीं वो आप उसी से करके जुगाड़, अब ऐसे कहाँ करूंगा मैं, अपने कहाँ से। नहीं मतलब क्यों, मतलब जब मेरी टैक्सी से। देखिए किस तरह की ऑडियो जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और लोग जो है बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं, और साथ में गालियां भी दे रहे हैं इन ऐसे जैसे लोगों के लिए, जो पब्लिक का पैसा जो है आता है, और किस तरह से ये लोग जो है लूट खसूट करते हैं, और उसके बाद जो है किस तरह की हालत बनी हुई है, यानी इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो। और किस तरह से जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें किसी वानी साहब का भी नाम लिया जाता है, पड़ियार साहब का भी नाम लिया जाता है, यानी हो सकता है यहाँ के मिनिस्टरों का नाम लिया जा रहा था, SHO का नाम लिया जा रहा है, यहाँ के बड़े बड़े अफसर जो भी इनके डिपार्टमेंट के हैं उन सब लोगों का नाम लिया जा रहा है इसमें। और किस तरह से ये जो है इम्प्लाई जो है अपने जो हिस्सा मांग रहा है, और किस तरह से हिस्सा मांग रहा हैरान करने वाली ये ऑडियो है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, बराबर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कैसी ऑडियो है, कौन ये नितिन है, कौन क्या है। इस ऑडियो में आपने सुना होगा किस तरह से ये इंसान जो है इसको समझाने की कोशिश कर रहा है किसी एम्प्लॉय को, कि तेरा हिस्सा मैं जो है बाद में दे दूंगा, लेकिन ये फिर से मांगने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है, हो गई है, वो मैं फाइल कंप्लीट कर दूंगा, तू मेरा हिस्सा दे दीजिए। लेकिन कम से कम इसके ऊपर DC डोडा विकास शर्मा या जो भी अफसर हैं या जो भी CBI इंक्वायरी या जो भी चीज़ें होती है वो होनी चाहिए, ताकि जिस तरह किस तरह से पब्लिक का पैसा जो है किस तरह से लूट खसूट हो रही है। अगर कोई इस ऑडियो को जानता है कि किस जगह की है ये ऑडियो है, कमेंट कीजिए कौन ये लोग हैं और किन को ये फ़ोन कर रहे हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि ये किस तरह का डोडा के अंदर इस तरह के घोटाला सामने आ रहा है। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, डोडा।